तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और काफ़ी गैप आ गया फिर से। लास्ट वीडियो में कहा था कि गैप नहीं आएगा, पर वापस अब गैप आ गया। सो अब ट्राई करेंगे कि गैप ना आए। अभी अटलांटा में हो रही है काफ़ी ठंड, और ये देखो आप समझ ही गए होंगे बोलते बोलते। सो बस अब ट्राई करेंगे कि आपके जो हमारे जो वीडियो हैं अभी आते रहे, और बस ख्याल रखेंगे। और अभी यहाँ हो रही है मॉर्निंग, और आपको दिखाता हूँ मैं कुछ मॉर्निंग के व्यूज़। ठंड काफ़ी है जैसे आप देख ही रहे हो। अभी घर के बाहर ही खड़े थे और थोड़ा सा वॉक करके आए। बस अब देखते हैं आगे क्या करना है। ठंडा में चल रही है काफ़ी ठंड, और जो टेम्परेचर चल रहा है अभी यहाँ करीब करीब एक और दो टेम्परेचर चल रहा है। सो बस अभी स्नोफॉल का ही वेट कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर आई होप स्नोफॉल होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो फिलहाल तो अभी घर के अंदर हैं, आराम से बैठे हुए हैं। और यूजुअली आज सोच रहे हैं कि बनाते हैं अंडा करी। वैसे कल बनाया था रोस्टेड चिकन बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था। थोड़ा सा हार्ड हो गया था, हल्का सा, मतलब थोड़ा तेल कम डाला था। मैंने सोचा कि तेल कम डाल के बना के देखते हैं, बट स्टिल अच्छा ही बना। सो वैसे आज प्लान है अंडा करी बनाने का, तो आपको भी दिखाते हैं कि क्या प्लान है और कैसे कैसे बनाना है। सो पहले तो अंडे और आलू उबाल लेते हैं, उसके बाद ही प्रोसीजर शुरू होगा। तो चलते हैं सीधा किचन की ओर। सो लेट्स गो। वैसे हम देसियों की आदत होती है थोड़ा सा सस्ता मिले, तो मैंने भी वही किया। मैं गया था वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट में मैं लाया पूरे ये 60 अंडे की ट्रे, 30 ऊपर हैं और 30 नीचे। तो ये तकरीबन मुझे पड़ा $12 का, तो उस हिसाब से ठीक ही पड़ा। सो बस अब अंडे और आलू उबालते हैं। यूजुअली मेरा प्लान था कि बीच में भी मैं वीडियो डालता रहूँ एटलीस्ट, या कुछ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, बट सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि कभी सोचा कि बनाते हैं, फिर बनाते बनाते सोचते सोचते रह गए, और ना वीडियो बनी और ना अपलोड कुछ किया। सो बस अब ध्यान रखते हैं इसका। सो फिलहाल आज हमारा प्लान है बनाने का अंडा करी। सो आप भी देखो कि कैसे बनाते हैं अंडा। यूजुअली सबको बनाना आता है, अपने अपना तरीका है, बस मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ ये बना रहा हूँ। सो बस चलते हैं। मैं लेके आया ये प्रॉपर आलू, लास्ट टाइम लाल वाले लेके आया था, इस बार प्रॉपर आलू लेके आ गया ब्राउन वाले। फिलहाल डालते हैं 3 आलू और 6 अंडे का बनाते हैं फिलहाल। जिस अंडे से आप देख रहे हो हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं, आई थिंक इनमें क्रैक है, सो ये जल्दी फूट जाएंगे। ये देखिए तकरीबन मैंने डाल दिए इसमें 1 डजन अंडे और 3 आलू। सो 2-3 टाइम के लिए हो जाएगा, वन टाइम बनाने में। यहाँ सब यहीं यहाँ पे ही करते हैं, और बस मैं भी वही सेम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस बाकी बचे अंडे रख देते हैं फ्रिज के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि इसमें रहता है बेस्ट नमक डालने से जल्दी बॉयल हो जाएंगे। ऑन करते हैं और फिलहाल इसको करते हैं बॉयल। मेरा जो मेन मोटो है ये 12 अंडे बॉईल करने का, ये है कि इसमें से कुछ अंडे मैं बॉईल करके रख लूँगा, जैसे ब्रेकफास्ट में काम आ जाते हैं। और कुकर का ढक्कन लगाते हैं और 1 सीटी के बाद बंद कर देंगे, तब तक तो बॉईल हो ही जाएगा। तब तक करते हैं कटिंग पार्ट। अभी कटिंग करते हैं, प्याज ज़्यादा रहेगा तो टेस्ट रहता है। प्याज टमाटर कट करते हैं उसके बाद, और करी पत्ता भी हमारे पास। मिर्च मुझे एक्चुअली वॉलमार्ट से मिली नहीं, मैं ट्राई करता कि मिर्च मिल जाए, तो कोई नहीं, मसाले हैं हमारे पास। सो बस अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो बस अभी 5 मिनट में ये अंडे और आलू ठीक से उबल जाएंगे, फिर इनको छीलते हैं, उसके बाद अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे अंडा करी बनाने की। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज ऑलरेडी काट लिया है, और उसमें डालेंगे करी पत्ता और साथ में जीरा भी है। सो बस एक बार बॉईल हो जाए, छीलने के बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अंडे हो चुके हैं बॉईल, अब थोड़ा इनको ठंडा करते हैं, उसके बाद छीलते हैं। और आलू को थोड़ा लगेगा 2 से 3 मिनट और ज़्यादा, तो तब तक इसको छीलते हैं। तो फिलहाल एक को तो छील दिया है और कलर काफ़ी अच्छा है, एकदम परफेक्ट बॉईल हुआ है।
जब तक आलू होते हैं बॉयल तब तक इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, सो बस गाइस यहाँ पे अंडे छील दिए और अब आलू छील देते हैं फटाक से और उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन। तो थोड़ा आलू को ठंडा करते हैं उसके बाद छीलते हैं, जो अभी काफ़ी गर्म है। तो फिलहाल छील लिया है सब कुछ, अंडे और आलू। सो अब करते हैं प्रिपरेशन, तो सीधा चलते हैं अभी किचन की ओर। तो अभी इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन कर दिया है, अब जैसे गर्म होगा धीरे धीरे इसमें तेल, उसके पीछे जीरा, करी पत्ता, प्याज, टमाटर, मसाले और आलू अंडा स्टार्ट करते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपको अपने एक पुराने दोस्त से भी मिलाऊंगा जिनसे यहाँ पे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, और बस वीडियो में बने रहिए। तो अब हो गया काफ़ी कुकर गरम, अब डालते हैं इसमें तेल। तेल हो गया गरम, अब इसमें डालते हैं जीरा, डालते हैं करी पत्ता, साथ में प्याज भी, बस जब तक हल्का हल्का ये प्याज हो जाएगा ब्राउन उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो अब हो गया हमारे जो प्याज है हल्के हल्का सुनहरा, सो अब इसमें डालते हैं हम लोग टमाटर। अब मिलाएंगे इसमें टमाटर, अभी क्या है कि जब अंडे बनाते वक्त कुछ लोग मसाले डाल देते हैं साथ में ही, सो इसमें आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप मसाला पहले डाल लो या तो आप अंडे के बाद भी मसाले डालते हैं कुछ लोग, पर मैं डालूंगा पहले क्योंकि मुझे पहले तरी बनानी है फिर अंडे मिक्स करने हैं। और कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग अंडे को क्या करते हैं कि फ्राई करके डालते हैं, कुछ लोग अंडे को पूरा डालते हैं, मैं अंडे को हाफ ऑफ पीस में करके डालता हूँ तो काफ़ी ग्रेवी मैच कर सके। थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, काली मिर्च मेरा फेवरेट है, आपका मन हो आप डाल सकते हैं, ना ही हो तो भी नहीं, मतलब ना मन हो तो ना डालिए पर पसंद करते हो तो पक्का डालिए। हल्दी और ये लाल मिर्च, पहले जलना चाहे इसमें से थोड़ा हल्का सा पानी डालते हैं, जब भी आपको लगे मसाला नीचे चिपकने लगे तो पानी डाल दो ताकि मसाले जले ना। थोड़ा इसमें आप गरम मसाले या सब्जी मसाला, एग मसाला, जो भी हो आप इसमें डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है गरम मसाले, खड़े मसाले ये, सो मैंने फिलहाल वो डाल दिया। अंडे और आलू रेडी है, इसको कट करता हूँ मैं, मुझे जैसे पीसेस में चाहिए। मुझे अंडे ऐसे पसंद है जैसे मैंने यहाँ पे अभी कट करके रखे हुए हैं, सो मैं ऐसे डालूंगा इनको। तो फिलहाल मैंने आलू काट के डाल दिए हैं, उस आलू के बाद मैं इसके पीछे डालूंगा अंडे। काफ़ी अच्छा बॉयल और आलू भी थोड़े पक चुके हैं, सो अब इसमें डालते हैं अंडे और इसको फिर कर देंगे बंद। तो क्या है कि जो ये स्टीम है, स्टीम से ही मतलब जो अंडा करी है आपस में घुल जाएंगी, सो अब इसमें डालते हैं अंडे। ये ऑलरेडी हमने अंडे काट के रखे हुए हैं जैसा कि मुझे पसंद है, आप चाहे तो पूरा भी डाल सकते हो और आप चाहे तो उसको फ्राई करके भी डाल सकते हो, सो लेट्स गो। बस अभी इसमें डाल दिए हैं अंडे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देते हैं, उसके बाद कुकर खोल के दिखाएंगे आपको कैसे बनी है रेसिपी, और बाद में आई होप आपको पसंद आया हो। सिंपल रेसिपी है, जो ज़्यादा टफ काम नहीं है बनाने में। यहाँ हो गई हमारी अंडा करी तैयार और आपको जैसे लग रहा है एकदम सारे फ्लेवर्स मिल गए हैं, सो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कैसा बना है। परफेक्ट, जैसा मुझे चाहिए था। एंड आप चाहे तो उसको एकदम तरी टाइप भी बना सकते हो, इसको एकदम मीडियम भी बना सकते हो, या तो जैसे मैंने एकदम गाढ़ा बनाया आप उसको गाढ़ा भी बना सकते हो। और बस अब इंजॉय करते हैं एंड आई होप एकदम सिंपल रेसिपी अंडा करी, डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो, बस इसमें प्याज ज़्यादा रखो तो टेस्ट हमेशा ऑसम रहेगा। ऑसम awesome.